मैं हूँ योशु मायापुरी। टीवी एंड वेब सीरीज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिग बॉस 13 में एक बार फिर नजर आएंगे विकास गुप्ता। बिग बॉस के ओरिजिनल मास्टरमाइंड विकास गुप्ता जल्द सीजन 13 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनके एंट्री करने वाले हैं। इस सीजन बिग बॉस में बैक टू बैक ट्विस्ट आए, जिसके बाद शो का भी एक्सटेंड किया गया। अब इस एक्सटेंशन के बाद एक और ट्विस्ट आएगा, जब एक पुराना सीजन का कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में एंट्री करेगा। देवोलीना से मिलने पहुंची दिलजीत कौर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा फेम, दिलजीत कौर जो बिग बॉस 13 का भी हिस्सा रह चुकी हैं, पहुंची देवोलीना से मिलने। देवोलीना को डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट सजेस्ट किया है। देवोलीना ने इस रीयूनियन के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर भी शेयर की। सहीर शेख ने सोनारिका को कुछ इस तरह किया विश। सहीर शेख ने अपने दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली की को एक्ट्रेस को बिल्कुल सलीम के अंदाज में बर्थडे विश किया। सहीर ने सोशल मीडिया पर सोनारिका के साथ एक पिक शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन मुबारक मलिकाए हिंदुस्तान, जिस पर सोनारिका ने कमेंट किया, शुक्रिया जाने अनार। फैंस ने इन दोनों की ये बॉन्डिंग देख काफी खुश हुए। ये जादू है जिनका में हुई अमन की बहन की विदाई। ये जादू है जिनका ने ऑन है जाते हुए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। शो में अमन और रोशनी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आगे के एपिसोड में सभी को अमन की बहन की विदाई की तैयारी करते देखा जाएगा। वहीं रोशनी अपनी देवरानी को बचाने के चक्कर में फिर एक और मुसीबत में फंस जाएगी। ये रिश्ते हैं प्यार के में अबीर और मिष्टी की कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी। मिष्टी निशांत के साथ मिलकर अबीर को जेलस करवाने में कामयाब हो चुकी हैं और उसे ये भी समझ आ चुका है कि अबीर आज भी उससे प्यार करता है। मिष्टी अबीर के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करेगी। देखना ये होगा कि क्या अबीर अपने फीलिंग्स छुपा पाएगा। टीवी एंड वेब सीरीज बुलेटिन में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।